गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराजे इंटर कॉलेज पीतमपुर की रानी वर्चुअल क्लास में आप सभी इलेवेंथ के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोशिकांगों पे। इससे पहले हमने बताया था कि एक कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, साथ ही साथ हमने सेल वॉल पे डिस्कस भी किया था, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन पे। इसके साथ साथ अब आपको डेली नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा, और आप उस नोट्स से अपने नोट्स को तैयार रखिएगा, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। और साथ ही साथ लिखने के साथ साथ आप उसको लर्न भी करते रहिएगा, पढ़ाई भी उसी करते रहिएगा, मीन्स तैयारी भी करते रहिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ऐसे समय में आप हैं जब आप फेस टू फेस तो नहीं स्टडी कर पा रहे हैं, क्लासरूम नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, बट हम लोग ऑनलाइन ये जो वर्चुअल क्लास चलाई जा रही है आपके हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा कार्य किया जा रहा है। तो इसमें आपका भी सहयोग, आपके अभिभावकों का भी सहयोग अपेक्षित है। तो आप लोग नोट्स भी तैयार करते रहिएगा पढ़ाई के साथ साथ। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, तो उस होमवर्क्स को भी कंप्लीट करते रहिएगा। और जैसे कुछ स्टूडेंट ने अभी मुझसे कहा कि सर 3 ही दिन पढ़ाया जा रहा है, तो आपको बताना चाहेंगे कि 3 दिन आपका बॉटनी वाला पोर्शन चल रहा है, 3 दिन आपका जूलॉजी वाला पोर्शन चल रहा है, मीन्स हफ्ते के जो 6 दिन हैं 6 दिन आपकी क्लासेस चल रही हैं, इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर नोट्स अवेलेबल कराइए, तो मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ। आपके लिए नोट्स बिल्कुल आज से अवेलेबल रहेगा, और आप नोट्स भी तैयार करते रहिएगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे आपसे, बात तो फिर कभी कर लिया जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स की बात चल रही थी, इसमें हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। सबसे पहले तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसके बाद फिर और आगे हम बढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कुछ मॉडल दिए गए हैं सेल मेम्ब्रेन के, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले सेल मेम्ब्रेन होता क्या है उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, यह सभी कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, यह सभी सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर विभेदी पारगम्य विद्युत आवेशित चयनात्मक झिल्ली है, जो मुख्यतः प्रोटीन एवं वसा से बनी होती है, इसे सी क्रेमर
नगेली, इन्होंने इसे कोसिका कला का नाम दिया था। और प्लोव ने, प्लोव जीव द्रव्य कला कहा था। इसमें होता क्या है कि इसमें दो सघन प्रोटीन परतों के बीच वसा का स्तर पाया जाता है। प्रोटीन परतें बीस से पच्चीस एंगस्ट्रॉम मोटी होती हैं। वसा स्तर की मोटाई 30 से 35 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब इसमें जो मॉडल दिए गए इसके, तो रॉबर्टसन ने एकक कला या इकाई कला और सिंगर और निकोलसन इन्होंने सरल मोज़ेक मॉडल दिया। तो इस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं, जो आपका यहां पे दिखाया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन की जो बात की जा रही है, तो आप, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसी भी सेल का, देखिए, बाहरी आवरण ही सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। और यह सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर, मतलब ये जो जीव द्रव्य है इसी के चारों ओर एक लेयर होती है। साथ साथ ये विभेदी पारगम्य, मतलब कि इंग्लिश में कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कि चयनात्मक पारगम्य या विभेदात्मक पारगम्य। और जानते हैं हम कि विभेदक पारगम्य होता क्या। देखो, विभेदक पारगम्य से हमारा मतलब है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों में अंतर करना, विभेद करना, विभेदक पारगम्य कहलाएगा। मतलब ये झिल्ली जो होती है ये केवल कुछ पदार्थों को छोड़कर बाकी पदार्थों को इनसाइड ऑफ सेल नहीं जाने देती है, कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करने देती, मतलब जीव द्रव्य में नहीं प्रवेश करने देती है। उनके लिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, बाकी अगर कोई चीज आता है तो फिर उसके लिए परमिएबल नहीं है। विद्युत आवेशित है, विद्युत आवेशित मतलब इस पे विद्युत आवेश भी पाए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस।
चयनात्मक झिल्ली है, चयनात्मक मतलब विभेदी पारगम्य में आपको बताया गया कुछ पदार्थों का चयन करती है, तो इससे ये चयनात्मक हुआ। यह मुख्यतः वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ प्रोटीन लेयर लिखा हुआ है और यहाँ देखो प्रोटीन और फास्फोलिपिड दोनों लेयर दिखाया गया, यहाँ भी फास्फोलिपिड है, तो ये प्रोटीन और वसा की परतों से मिलकर बना हुआ होता है। इसे सी क्रेमर और नगेली ने कोशिका कला कहा था, बाद में प्लोब ने इसे जीवद्रव्य कला का नाम दिया, ठीक है। और इसमें दो सघन प्रोटीन की परतों के बीच वसा का स्तर पाया जाता है, दो सघन प्रोटीन की परतों के बीच वसा स्तर पाया जाता है। सघन प्रोटीन मतलब कि आप देख रहे हो कि ये जो प्रोटीन लेयर है इन दोनों लेयर के बीच में फास्फोलिपिड का लेयर पाया जा रहा है, मतलब कि वसा का स्तर पाया जा रहा है। अब बता रहा है कि प्रोटीन परतें, ये जो प्रोटीन लेयर होती है मतलब ये साइड साइड वाली किनारे किनारे वाली, ठीक है, इनसाइड एंड आउटर साइड वाली, तो ये प्रोटीन लेयर जो होती है इसकी जो मोटाई होती है वो 20 to 25 angstrom मतलब 20 से 25 angstrom आप यहाँ देख सकते हैं 20 से 25 angstrom है ना। और जो लिपिड लेयर होती है, मीन्स जैसे फास्फोलिपिड की बात की गई वसा स्तर की मोटाई, तो इसकी 30 से 35 angstrom की मोटाई होती है। अब यहाँ पे दो मॉडल दिए गए, जैसे बताया गया कि एकक कला मतलब कि यूनिट मेम्ब्रेन एंड इकाई कला, इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन, ये है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसके बाद सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया, तरल मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल। इस तरह से ये था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन है क्या? यह सभी कोशिकाओं के जीवद्रव्य के चारों ओर विभेदी पारगम्य में विद्युत आवेशित चयनात्मक झिल्ली है, मतलब एक झिल्ली ही है जिसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या क्वालिटी पाई जाती है, क्या गुण होते हैं उसके, विभेदी पारगम्य होता है, विद्युत आवेशित होता है और चयनात्मक होता है। ये मुख्यतः वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है। इसे सी क्रेमर और नगेली ने कोशिका कला का नाम दिया, जबकि प्लोब ने इसे जीवद्रव्य कला बोला। इसमें दो सघन प्रोटीन परतों के बीच वसा का स्तर पाया जाता है। प्रोटीन परतें 20 से 25 angstrom मोटी होती हैं और वसा स्तर की मोटाई 30 से 35 angstrom तक होती है। रॉबर्टसन ने इसे एकक कला या यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोला, और सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया इसका, किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो ये तो रहा आपका सेल मेम्ब्रेन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे इसके डिफरेंट मॉडल्स को लेके, तब तक के लिए थैंक यू, आप पढ़ते रहिए।